सो गाइज, आज बहुत दिनों बाद मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में जो है हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एप्पल के फोल्डिंग स्मार्टफोन के रिलेटेड। आपने बहुत सारे मार्केट में फोन्स देखे होंगे, सैमसंग जो है सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन देखा होगा, सैमसंग का फोल्ड फोन भी देखा होगा, फिर हवावे का फोल्ड फोन देखा होगा, फिर ओप्पो का फोल्ड फोन देखा होगा। यानी कि अदर ब्रांड्स, दो तीन ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स बना दिए हैं, लेकिन जो है ये ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई है। यानी कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है, फॉर सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप है, यानी कि इस तरह के काफी सारे मॉडल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और इसके बाद हवावे मेट में आ चुके हैं, और इस तरह के काफी सारे स्मार्टफोन आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। लेकिन एप्पल जो है पाकिस्तानी, सॉरी एप्पल पाकिस्तानी कह रहा हूँ, एप्पल जो है दुनिया की तकरीबन मोबाइल फोन के दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सेल करती है, सबसे ज्यादा इनके महंगे मोबाइल और सबसे क्वालिटी वाइज इनके काफी बेहतरीन मोबाइल होते हैं। लेकिन इन्होंने सैमसंग जो है अपनी जानब से सैमसंग या फिर हवावे के मुकाबले में फोल्डेबल स्मार्टफोन नहीं निकाला था। लेकिन हाल ही में इनकी जो है एक खबर लीक हुई थी कि ये भी अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाने वाले हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि हमें कब मार्केट में देखने को मिलेगा और इसकी डिजाइन या शेप कैसी होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक लाजमी देखिएगा, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट जो है आर्टिकल एक ओपन करके रखा हुआ है, जहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आईफोन फ्लिप एवरीथिंग वी नाउ अबाउट एप्पल्स फोल्डेबल स्मार्टफोन। जो है कुछ है, हमें कुछ कुछ चीजें हमें जो है लीक्स हमें जो नजर आ रहे हैं वो इस तरह का होने वाला है, जो कि एप्पल की जानव से होने वाला है। ये पिक्चर को मैं सेव भी रख लेता हूँ ताकि ये मेरे थंबनेल के तौर पर भी हमें काम दे सकती है। इसको मैं बाद में सेव कर लूंगा। सबसे पहले हम जो है चीजें देख लेते हैं, नीचे जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये इनकी एक एडवर्टाइजमेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, लेकिन हम इनका सबसे पहले जो है रिलीज डेट की बात करते हैं कि हमें ये जो है लॉन्च डेट जो है इसकी बताई जा रही, जो रूमर्स आ रहे हैं वो है 2030 या 2023 या 2024, यानी कि 2022 या 2023 के ये बीच में लॉन्च होने वाला है। और ये सरप्राइज लॉन्च आई थिंक होगा, जो कि हमें इसका जो है सबसे पहले जो इसका इंट्रो वगैरह जो है ट्रेलर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है इसका काफी बड़ा डिस्प्ले होने वाला है, जो कि 8 इंच का बड़ा डिस्प्ले होने वाला है, जो कि इसके जो है डिजाइनर जो है सीईओ डायरेक्टर वगैरह है, उन्होंने लॉन्च जो है रिलीज किया है या फिर बताया है कि इसका डिस्प्ले 8 इंच होने वाला है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3 से भी बड़ा होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त बात होने वाली है। ये इसका एक्चुअल जो है लुक हमें तकरीबन 70-80% हमें आईफोन ऐसा दिखने वाला मिलेगा। उसके बाद ये हमारी डायमेंशन वगैरह और काफी चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, जो जो हमें इसमें देखने को मिलेगा, और भी आप काफी चीजें जो है काफी सारे लीक्स इसमें अवेलेबल है। कोई फाइनल डिजाइन अभी तक एप्पल के ऑफिशियल की जानब से हमें फाइनल डिजाइन देखने को नहीं मिला, लेकिन जो इसका जो है हमें कॉस्ट बताई जा रही है वो तकरीबन हमें जो है इसके $1,000 से $1,500 तक हमें इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जब लॉन्च होगा तब भी देखने को मिलेगा कि हमें फाइनल प्राइस क्या मिलती है और ये हमें कैसा नजर आने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो में यहीं तक था। अल्लाह हाफिज।